एक बड़ी खबर है ग्वालियर से। बागी कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल के घर पर धरना दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना देने पहुंचे हैं। सिंधिया समर्थक भी मुन्नालाल गोयल के घर पहुंच गए हैं। सिंधिया समर्थकों में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर संघर्ष की स्थिति या नारेबाजी की स्थिति देखी जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मुरार इलाके में कांग्रेस के विधायक मुन्नालाल गोयल का घर है और उनके घर के बाहर ये सारा प्रदर्शन जारी है। बागी कांग्रेसी विधायक मुन्नालाल गोयल के घर पर धरना दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देने पहुंच गए हैं। सिंधिया समर्थक भी उनके घर के बाहर जमा हो चुके हैं। तो सिंधिया समर्थकों में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नारेबाजी का दौर चल रहा है। पुलिस पहुंच चुकी है। मुरार इलाके में कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल के घर के बाहर ये सारा प्रदर्शन हो रहा है। तो प्रदर्शनों का दिन है, प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। एक तरफ राजभवन के बाहर कांग्रेसी धरना दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। कांग्रेसी विधायकों ने राजभवन जाकर मुलाकात की और इधर ग्वालियर से तस्वीर, बागी विधायक मुन्नालाल गोयल उनके घर धरना दिया जा रहा है। कांग्रेसी धरना देने पहुंचे तो सिंधिया समर्थक वो भी पहुंच गए हैं। संघर्ष की स्थिति बन सकती है, पुलिस बल तैनात है। अरे तो कांग्रेस के विधायक हैं मुन्नालाल गोयल, बागी विधायक हैं, उनके घर के बाहर कांग्रेसी पहुंचे हैं, कमलनाथ के जयकारे लगा रहे हैं और सिंधिया समर्थक भी वहां पहुंच गए हैं। महेंद्र कुशवाहा जुड़ गए हमारे साथ में ग्वालियर से। महेंद्र बताएं क्या हो रहा है वहां? जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे मुन्नालाल गोयल जी, जो कि अभी बेंगलुरु में अपने अपने अन्य साथियों के साथ है, उसी को लेकर आज कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सभी कांग्रेस और नेता पदाधिकारी जो भी है सभी उनके घर के बाहर जाकर धरने बैठ गए। तभी उसी दौरान उन्होंने की अभी की जो गोयल जो विधायक थे उनके समर्थक भी वहां मौजूद आ गए और आमने सामने तरफ पुलिस को लगी तो वहाँ भारी पुलिस बल वहाँ पे पहुंचा और वहाँ पर माहौल को शांत करा। धरना जो कर रहे कांग्रेसी को वहाँ से हटाया गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर शहर में 144 कलेक्टर के द्वारा लगाई गई है इसमें लोगों को एकत्रित न होने के लिए, और इसमें जहाँ पुलिस पहुंची है पुलिस का कहना है कि अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी तो इस समय क्या स्थिति है, क्या तमाम कांग्रेसियों को या फिर वहाँ जो समर्थक पहुंचे थे उनको हटा दिया गया है? बिल्कुल, जो कांग्रेसी वहाँ पे जो पहुंचे थे वहाँ जो उनके समर्थक थे गोयल जी के जो समर्थक थे वहाँ से उनको भी हटा दिया गया है। एक वहाँ पे एक पुलिस फोर्स भी मौजूद है, उनके घर के आसपास लगाया गया है। तैनात तौर पे उनको सुरक्षा के तौर पे वहाँ पुलिस फोर्स अभी तैनात है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े। तो मुन्नालाल गोयल उनके घर के बाहर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए, नारे लगाने लग गए क्योंकि कांग्रेस से बगावत उन्होंने की है। और दूसरी तरफ जो उनके समर्थक और या सिंधिया समर्थक थे वो भी पहुंच गए। दोनों को वहां से पुलिस ने हटा दिया है। नारेबाजी हुई, संघर्ष की स्थिति बन सकती थी, इसलिए पुलिस बल अब भी तैनात है।